वॉचिंग खबर फेस टू फेस। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, मैं जिशान आजमी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। तो मंडे एसएससी रिजल्ट निकला, उसमें आपके बच्चों का किस तरह से कितना परसेंटेज है और आपके स्कूल में कितने बच्चों ने अपील किया था? जी सबसे पहले धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे इस न्यूज़ को कवर किया। तो इस साल हमारे स्कूल से करीबन 50 बच्चों ने 10th का एग्ज़ाम अपील किया था, जिसमें से 48 बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। तो ओवरऑल जो स्कूल का रिजल्ट है वो 96% आया है। सर, जो बच्चे एसएससी पास कर चुके हैं उनको आगे क्या करना चाहिए, क्या आपके स्कूल की तरफ से कुछ गाइडेंस मिलता है उनको? जी हाँ, करियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम देखते हैं कि 10th के बाद में बच्चे को बहुत सारे ऑप्शन सामने खुले रहते हैं और बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं कि उनको क्या लेना है। और एक चीज़ जो हमने कॉमन देखी है वो ये है कि बच्चे क्या करते हैं कि उनके जो फ्रेंड सर्कल हैं वो जिस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं या जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सारे बच्चे उसी तरफ चले जाते हैं और काफ़ी बाद में उनको ये रियलाइज़ होता है कि भाई वो फील्ड शायद उनके लिए सही नहीं है। तो इसके लिए बच्चों को उनके करियर के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने क्या किया था कि जब ये बच्चे हमारे 9th स्टैंडर्ड में थे यानी पिछले साल, तब से इनके लिए हमने करियर काउंसिलिंग का सेशन इनके लिए रखा था। और ये सेशन एक या दो दिन का नहीं था बल्कि पूरे 2 साल का था। तो पूरा 9th के साल में और अभी जब ये लोग 10th में थे तो पूरे 10th के साल में हमने 2 साल इनको काउंसलिंग कराई, जिसमें बहुत सारे टेस्टिंग कराए गए और इसके अलावा बच्चों का इंडिविजुअल काउंसलिंग किया गया, बच्चों के पेरेंट का काउंसलिंग किया गया और एंड में हमने इनको एक रिजल्ट भी दिया उनके काउंसलिंग का, जिससे ये पता चलता है कि इनको आगे चल के किस करियर में कदम रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने उनके लिए की। एसएससी में जो आपके स्कूल से जो टॉप किया है कितना परसेंटेज है, उसका नाम क्या? जी मास्टर सुमित करके है हमारा बच्चा जो 81% से आया है। लेकिन उससे भी खास बात मुझे ज़्यादा ये लगती है कि देखिए कोई ना कोई बच्चा तो फर्स्ट आता है, लेकिन प्रिंस राजभर करके हमारे एक बच्चा है 10th का, मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगा। तो 9th के ईयर में उस बच्चे ने स्कूल ड्रॉप कर दिया था और जब मैंने इंक्वायरी किया तो पता चला कि घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसके कारण वो स्कूल कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो मैं खुद उसके घर पर गया, अम्बुजवाड़ी में वो फैमिली रहती है, और जब मैंने उनका घर देखा तो मेरे केबिन से भी छोटा उनका घर था और उसके डैडी जो है वो एक प्राइवेट कंपनी में पेस्ट कंट्रोल में जो लोग घर में दवाई मारने आते हैं वो काम करते हैं, और उनके घर की हालत देखिए मैं समझ गया कि ये लोग तो फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई आप बच्चे को स्कूल में भेजिए और जो भी उसका खर्चा है वो स्कूल देख लेगी। और फिर हमने अपनी तरफ से उस बच्चे को पढ़ाया और आज बताने के लिए खुशी होती है कि बच्चे को 77% मार्क्स आए 10th स्टैंडर्ड में और वो एक आगे के अच्छे करियर के लिए रेडी है। क्या नाम था? प्रिंस राजभर। जिस तरीके से बच्चे जो कोई अच्छे नंबर लेके आए, 90+ लेके आए, 80+ लेके आए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जैसे फेल हो जाते हैं तो उस फेल होने की वजह से वो मार्केट डिस्टर्ब रहते हैं और कुछ गलत कदम उठाने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे आत्महत्या करने के लिए, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही सीरियस इशू है क्योंकि अभी पिछले हफ्ते आपको पता है 12th का रिजल्ट आया और यहीं अपने पास में वसई विरार और मीरा रोड में तीनों जगह मिलाकर के 3 लड़कियों ने सुसाइड किया। और ऐसे नहीं कि वो फेल हुए थे, वो पास हुए थे, उनको खाली उनकी उम्मीद से कम परसेंटेज आए, बस इस कारण से उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ है और इसके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बच्चों को इसके लिए मानसिक तौर पे मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और उनको ये समझना ज़रूरी है कि हार जीत लगी रहती है। और हमें इसीलिए लगता है कि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा माध्यम है ये बच्चों को ये चीज़ समझाने के लिए। तो हमारी भी एक बच्ची जो फेल हुई है लेकिन वो स्पोर्ट्समैन है, वो बहुत अच्छी फुटबॉलर है, राइट, उसने बहुत बार अच्छे अच्छे गोल किए हैं, बहुत बार उसने गोल मिस भी किए हैं लेकिन उसने मैच नहीं छोड़ा। तो जैसे ही रिजल्ट आया हमने उससे बात की और हमें बताने के लिए खुशी है कि बच्चे हमारे पूरे जोश में हैं, राइट, उनको पता है कि ये जिंदगी का एक उतार चढ़ाव है, ये होता रहेगा लेकिन हमको हार मानना नहीं है। तो जैसा आपने बताया 19 से कम आया, हमने एक न्यूज़ देखा कि एक बच्चे को 50% है लेकिन उसमें इतनी खुशी की लहर थी, उससे बाकायदा एक रैली निकाला, JCB पे हार माला, हार पहन के बहुत बड़ी खुशी मनाए। तो इस तरह की मानसिकता को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ऐसी सेम एग्जाम्पल हमारे स्कूल में भी हुआ, तो एक बच्चे को जिसको 45% आए, है ना, लेकिन उसके माँ बाप इतने खुश हुए, उन्होंने आकर के हमको मिठाई भी दी और बच्चों को 500 रुपये का कैश इनाम भी दिया अपने बच्चों को। तो उनका मानना ये था कि भाई बच्चा पास हो गया ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे भी हैं पेरेंट्स जो ये बात को समझते हैं कि 10वीं का एग्ज़ाम या 12वीं का एग्ज़ाम उनके ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। ये उन स्टूडेंट को समझ लेना चाहिए जो 19 से कम मार्क्स मिलता है और इस तरह की गलत हरकतें करते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स और स्कूल की भी जिम्मेदारी है कि बच्चे को ऐसा प्रेशर मेंटेन ना करें और उनको ये बताएं कि भाई हम लोग आगे पीछे हो सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ने
हर मैच में सेंचुरी नहीं मारा, ये बात हमको समझना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है, वो दुनिया का जाना माना बहुत अच्छा बैट्समैन है, राइट। हम उसके अच्छे कामों के लिए उसको जानते हैं, जबकि उसने काफ़ी बार जीरो पे भी आउट हुआ है। तो ये बात हमको बच्चों को बताना, और पहले मैं तो खुद हमको ये समझना जरूरी है एज ए पेरेंट एज ए टीचर, पहले हमको ये समझना चाहिए। हम अगर सिर्फ स्कूल के रिजल्ट के पीछे और हाईएस्ट मार्क्स लाने के पीछे अगर हम लोग, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, हर एक को कोशिश करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन उसके कारण जो बच्चे हमारे थोड़े कमजोर हैं उनको हमको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लड़कियों को हम लोग पढ़ाना नहीं चाहते, और हमें जब डॉक्टर चाहिए तो लेडी डॉक्टर चाहिए, जब हमें अपने वाइफ को लेके जाना है तो वहाँ पर हमें लेडी डॉक्टर चाहिए। तो इसकी क्या वजह है कि हम डॉक्टर को लेडी चाहिए लेकिन हम लड़की को नहीं पढ़ाना चाहते, तो आगे क्या कहना चाहते हैं सर? मुझे लगता है कि ओवरऑल जो आप बता रहे हैं ये प्रॉब्लम है, आज भी है, लेकिन जहाँ हम लोग काम करते हैं भले ही स्लम एरिया है लेकिन ये अर्बन स्लम है, और यहाँ पर लोगों की मानसिकता मैंने जो अनुभव किया है वो ऐसी नहीं है। अगर मैं मेरी स्कूल की बात करूँ तो मेरे स्कूल में करीब करीब 47% गर्ल्स हैं और 53% बॉयज़ हैं, यानी जेंडर रेशो जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट इक्वल है। इवन इनफैक्ट हमारे कॉलेज सेक्शन में लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ हमारे पास हैं। तो ये मानसिकता ओवरऑल हो सकती है, लेकिन जो जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर ऐसा नहीं देखने मिलता है। तो ये बहुत मतलब ये खुशी की बात है, मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर हमको काम करने की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। आपके स्कूल में जो एसएससी का रिजल्ट है उसमें बॉयज और गर्ल्स का क्या परसेंटेज है, कौन ज्यादा? सेम है हमारे यहाँ पर, बॉयज गर्ल्स दोनों इक्वल पे हैं। एसएससी का भी रिजल्ट आया था, कैसा था रिजल्ट आपका एसएससी जी? उसमें भी 95% आया है, और मैंने आपको इसे बताया कि बॉयज गर्ल्स इक्वल है, इनफैक्ट गर्ल्स ज्यादा है कॉलेज सेक्शन। यस सर, जो बच्चे पास हुए उनको करियर गाइडेंस तो आपकी तरफ से भी मिलता है, लेकिन जो अच्छे नंबर से पास है उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे, पेरेंट्स को, टीचर को, या मैनेजमेंट को, या सभी को? तो सबसे पहले तो पूरा क्रेडिट जो है वो ऊपर वाले को जाता है जिसने हमको इस लायक बनाया कि हम लोग पढ़ा सके और पढ़ सके। दूसरा क्रेडिट मुझे लगता है कि बच्चों को जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम बच्चा लिखता है, टीचर सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ाती है, टेक्स्ट बुक सब बच्चों के लिए सेम है, लेकिन बच्चा क्या याद रख करके लिखता है और कैसे लिखता है ये हर एक बच्चे की इंडिविजुअल क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से मेजर क्रेडिट जो है वो बच्चों को जाता है, उसके अलावा स्कूल है जो पूरी मेहनत करती है बच्चों के साथ, और तीसरा उनके पेरेंट्स जो सपोर्ट करते हैं कि बच्चा स्कूल जाए, पढ़ाई करे, आगे लाइफ में कुछ अच्छा बने। तो पिछले साल और इस साल में एसएससी के रिजल्ट में आप क्या डिफरेंस देखते हैं, क्या तुलना करना चाहते हैं, किस तरह से प्रोग्रेस हुआ आपके स्कूल जी? ओवरऑल तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है हर साल, क्योंकि हमारे पास जो टीचर्स हैं वो सेम टीचर्स हमारे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, तो इसके लिए जो टीचर्स का एक्सपीरियंस है वो बढ़ रहा है, और हम हमारी गलतियों से भी सीख रहे हैं, हमको ये भी पता चल रहा है कि भाई क्या करने से क्या हो रहा है। तो पिछले 20 साल का अनुभव है, तो हर साल कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। तो जो एक दो बच्चे आपके स्कूल से पास नहीं हो पाए, तो उसकी क्या वजह आप मानते हैं, क्या उनको किस तरह से ट्रेनिंग देना चाहिए था? एक तो मेजर इशू रहा अटेंडेंस का, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर बच्चा अटेंडेंस पूरा देता है तो काफ़ी हद तक चांस है कि वो अच्छे नंबर से पास हो जाए, लेकिन अगर बच्चा स्कूल में ही नहीं आएगा तो हमारी सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। तो अटेंडेंस एक चीज़ को हमको ध्यान रखना चाहिए, और दूसरा ऐसे बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा एफर्ट्स बहुत जरूरी है, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आगे के एसएससी के लिए आपके अभी जो 9 के बच्चे जो 10th पे आए, किस तरह से आप तैयारी करेंगे, सभी अच्छे नंबरों से पास होंगे? जी बिल्कुल, हमने तो ये बार एडवांस में बैच चालू कर दी है, हमारी 10th की बैच 1 अप्रैल से ही चालू हो गई है, राइट। और उसके लिए हम लोग उनको जो स्कूल के जो नॉर्मल आर्ट्स हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा आर्ट्स भी हम उनको बिठा रहे हैं, ताकि उनका जो होमवर्क वगैरह वो यही हमारे सामने ही हो जाए। सर आखिर में एज ए प्रिंसिपल आप तमाम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि सबसे पहली बात तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल दोज हु कुड क्लियर द एग्जाम, और जो क्लियर नहीं कर पाए उनको मैं ये कहूँगा कि ये और कोशिश करें, ठीक है। और जुलाई में अगर वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो वो FIJC ज्वाइन कर ही सकते हैं, हमारे यहाँ पर भी कॉलेज का कॉमर्स सेक्शन है, तो हमारे यहाँ पर भी FIJC का एडमिशन शुरू है। तो किसी भी करके पढ़ाई अपनी जारी रखें, किसी भी तरीके से पढ़ाई को ड्रॉप ना करें। बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया, हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके टीचर, स्टाफ, स्कूल को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, शुक्रिया सर। थैंक यू।